संतरे बेचने वाली बूढ़ी अम्मा की कहानी, जिसके पास एक नौजवान लड़का हमेशा आता, हमेशा संतरे खरीदता और खरीदे हुए संतरों में से किसी एक को, उसकी एक फाक को चखते हुए कहता, अम्मा देखो ना ये तो कम मीठा है। और अम्मा हमेशा दूसरी फाक को चखते हुए कहती, नहीं बेटा ये तो बराबर मीठा है। फिर भी यह लड़का बड़ी बेरुखी के साथ उसे खुले हुए संतरे को वहीं ठेले पर छोड़कर चलता बनता। अब इस नौजवान के साथ उसकी पत्नी भी हमेशा हुआ करती। एक दिन पत्नी ने पूछा, ये जो तुम हर बार अम्मा के ठेले पर पहुंचकर नौटंकी शुरू कर देते हो, ये संतरा तो कम मीठा है, ये संतरा तो कम मीठा है। संतरे तो मैंने भी चखे हैं, बराबर होते हैं, लेकिन फिर इस नौटंकी के पीछे राज क्या है, चाहते क्या हो तुम? इस पर लड़के ने अपनी पत्नी को एक मीठी सी मुस्कान दी और कहा, मुझे भी पता है कि सारे के सारे संतरे बहुत ही मीठे होते हैं, लेकिन तुमने कभी अम्मा को देखा है? अम्मा इतनी गरीब है कि जो बेचती हैं उन्होंने कभी चखा भी नहीं होगा, इसीलिए तो एक खुला हुआ संतरा उनके ठेले पर छोड़कर आ जाता हूँ मेरी ओर से उनके लिए। अम्मा के बाजू में जो सब्जी वाली थी उसने एक दिन कहा उनसे, आपको पता है ये जो सरफरा आपके ठेले पर आता है संतरे खरीदने के लिए, इतनी चिकचिक करता है आपसे कि आप नाप तोल में उसे ज्यादा संतरे दे देती हो। इस पर अम्मा ने कहा कि वो कभी मुझसे संतरे की मिठास पर चिकचिक करता ही नहीं है, वो ये चिकचिक करता है मुझे संतरा खिलाने के लिए, एक छोड़कर जाता है। क्या मुझे पता नहीं है? उसकी चिकचिक में भी उसके प्यार की मिठास नजर आती है। वो कहते हैं ना कि मेरे हिस्से से ज्यादा तूने मेरी थाली में भरोसा है, कितनी भी मुश्किलें दे ऊपर वाले मुझे तुझ पे भरोसा है। छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। अगर कोई ऐसा दिखे उसकी मदद जरूर से करे, इसी को तो कहते हैं जियो दिल से। सलाम दुआ वणकम प्रणाम सत श्री अकाल, केम छो सारू छे, अमदावाद आखुई मारू छे, अर्चना की ओर से।